मम्मी क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा, दिवाली की साफ सफाई कर रही हूँ। अरे तो दिवाली की सफाई कर रही हो तो क्या कचरा मेरे मुंह पे डालोगी? तू हंस क्यों रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कचरा आपके मुंह पे गिर रहा है या कचरा कचरे पे गिर रहा है? कचरा कचरे पे गिर, तेरा मतलब मेरा वो क्या कचरा है? दोनों झगड़ा बंद करो, सफाई में मेरी हेल्प करो। यार यार मम्मी, आप ना पलक को बोलो, पलक आपकी अच्छे से हेल्प करेगी। मैं तो सोता हूँ, मुझे नींद आ रही है। मम्मी मैं भी सोने जा रही हूँ। उठा तुम दोनों, फिर से मम्मी उठ रहे, उठा काम करो। तुम दोनों हॉल में सफाई करो, मैं इधर बेडरूम में करती हूँ। उठा, चलो काम शोर कही के दोनों काम शोर। भैया अब आप मुझे देखो, ये लाइन है, लाइन के उस साइड आप साफ करोगे और ये साइड में। ऐसा क्यों? लाइन के ये साइड कितना कचरा है, उधर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए तो बोला। नहीं पलक, वहां पे मैं करूंगा, तू यहाँ पे कर। बोला ना यार पलक, ये चीटिंग है, मुझे वहां पे करना है, तू यहाँ पे करना। चुपचाप करो, समझा ना? पलक का रिजल्ट फेल हो गई, 0 marks। पलक, हाँ? वो तेरा रिजल्ट आने वाला था ना स्कूल से, क्या हुआ उसका? वो अभी तक स्कूल से मिला नहीं है, अब शायद टीचर ने चेक ही नहीं किया। जब मिल जाएगा तो मैं आपको दे दूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। तो ये क्या है? अंडा 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 मिला तेरे को? एग्जाम में तू फेल हो गई और अच्छा रिजल्ट सोफे के पीछे छुपाया है। मुर्गी ने अंडे लाए हैं। भैया इधर आना जरा। क्या? ये रिजल्ट। ओ रिजल्ट चाहिए तुझे? ये रिजल्ट तो अब सीधा मम्मी के पास जाएगा। प्लीज भैया मम्मी को मत दिखाना, मम्मी मेरी जान ले लेगी। प्लीज यही तो मैं चाहता हूँ कि मम्मी तेरी जान ले। तुझे पता है तूने 1 साल पहले मेरे साथ क्या किया था? क्या किया था? याद नहीं आ रहा है? अभी तुझे याद दिलाता हूँ। कहानी 1 साल पहले की, जब तुझे दिवाली की साफ सफाई करते समय मेरा लव लेटर मिला था और तूने मुझे ब्लैकमेल करके घर की पूरी साफ सफाई करवाई थी और मम्मी को क्या कहा था कि साफ सफाई तूने की है, इसीलिए मम्मी ने दिवाली के सारे फटाके पलक तुझे दे दिए थे और मुझे बच्चों वाले फटाके मिले थे। तो पलक इस बात का बदला तो लेना बनता ही है ना। पिछली बार मेरी वाट लगाई थी, इस बार तेरी बारी है। भैया अब क्या इतनी छोटी छोटी बात को लेकर बैठ जाते हो? वो पिछले साल की बात थी ना, ठीक है छोड़ दो। अच्छा ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरे वजह से पिछले साल मुझे छोटे छोटे फटाके फोड़ने मिले और तूने खुद बड़े बड़े फटाके फोड़े। अब तो ये रिजल्ट मैं मम्मी के पास लेके जाऊंगा। अरे अरे प्लीज भैया मम्मी को मत दिखाओ ये रिजल्ट, अब जो बोलोगे मैं वो करूंगी। प्लीज भैया
सब कुछ करेगी। हाँ हाँ। तो पलक ये हॉल की सफाई अब तू करेगी और मैं करूंगा आराम। डोमिनोज दो पिज्जा भेज दो। भैया दो पिज्जा मंगा रहे, मतलब मुझे भी मिलेगा। भैया एक पिज्जा मेरे लिए है ना। हट, दोनों पिज्जा मैं खाऊंगा। फुक्कड़, लालची, कुत्ता। मुझे पिज्जा नहीं दिया ना, तू देख अब पेट ही खराब होना चाहिए। मजा आया। ये सब क्या है? मम्मी मम्मी देखो, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मैंने अकेले ने घर में पूरे सफाई किया और ये देखो ऑनलाइन पिज्जा मंगा के पिज्जा खा रही है मम्मी, इसके तो ऐश है। पलक ये क्या है? भैया बेचारा कब से काम कर रहा है? बहुत काम किया मम्मी, बहुत। और तू ये बैठ के पिज्जे खा रही है? नहीं मम्मी, भैया जो मम्मी बहुत थक गया हूँ, मैं कब से काम कर रहा हूँ मम्मी। बोला सुबह क्यों हो गई? यार मम्मी आप मुझे परेशान मत करो, मैं वैसे बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं करना काम प्लीज। अच्छा मैं परेशान कर रही हूँ? एक तो तू काम नहीं कर रही है और उल्टा बोल रही है, देखते तुझे कैसे नहीं करती है काम। अच्छा मुझे उल्टा हो रहा है, काम तो करती नहीं है, दिवाली में पता नहीं काम करेगा। क्या बात है पलक, कितना बढ़िया रूम क्लीन किया है, बहुत बढ़िया यार। अब छोड़ो भैया, आपकी वजह से मुझे मार पड़ी है। लेकिन तुझे मार खाते देख मुझे बहुत मजा आया। वाह मम्मी ने क्या कुटाई की तेरी झाड़ू से, एक नंबर। ये ले पलक, इसमें जो लिखा हुआ सामान ले क्या। अरे पैसे ले, सुट्टे पैसे ध्यान से वापस लाना। ठीक है मम्मी। ओए सुन इधर। क्या है अब?
मम्मी को बोल मैं नहीं जाऊंगी, मुझे खेलने जाना है। मैं क्यों बोलूं? मैं नहीं बोलने वाली हूं। अच्छा, तुझे जितना बोला उतना कर, नहीं तो ये देख तेरा रिजल्ट। पांक, पांक। नहीं दूंगा। बोल बोल बोल। यार मम्मी मैं नहीं जाने वाली हूं। अब अपने काम खुद कर लो, मैं खेलने जा रही हूँ। हाँ नहीं तो क्या? बदतमीज हो गई लड़की, कुछ काम की नहीं है। मम्मी पलक को जाने दो, आपका काम मैं करूँगा। मैं करता हूँ ना, ये सामान लाना है ना मैं लेके आता हूँ, छुट्टे पैसे भी वापस लाऊंगा, आपका सारा काम मैं कर रहा हूँ मम्मी, मैं आपका लाडला बेटा हूँ ना मम्मी। लेकिन इस बार दिवाली को फटाके मुझे देना प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज जा रहा हूँ, बाय बाय। रुको भैया, आपने अंदर ऐसा क्यों किया? मैं जा रही थी ना सामान लेने के लिए। तो अभी भी तू जाएगी, ये ले सामान की लिस्ट और ये ले पैसे। याद है ना मम्मी ने क्या कहा, छुट्टे पैसे याद से लाना। चल जा। पर अभी तो आपने अंदर बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओगे तो आप जाओ। अरे वो इसलिए बोला कि मम्मी को लगेगा सामान लेने में जा रहा हूँ, लेकिन जाएगी तू और मैं करूँगा आराम। जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं नहीं जाऊंगी, जाओ। अच्छा नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? ये देख तेरा रिजल्ट। जाएगी या नहीं? जा रही हूँ। चल निकल, चल 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 चल। ये रिजल्ट नहीं, लॉटरी का टिकट है मेरा। ये यार ये चॉकलेट तो बहुत टेस्टी लग रहा है, कोई देख भी नहीं रहा, खा लेती हूँ। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। ये लो आपका सामान और ये बिल। थैंक यू। वेलकम। अंकल छुट्टा तो दिया ही नहीं। छुट्टा चाहिए? ये देखो इधर आओ तो जरा यार। ओ शिट, यहाँ पे तो सीसीटीवी लगा है। पांक। चाहिए छुट्टा? चाहिए चाहिए? नहीं अंकल। दू देता हूँ छुट्टा। कोई बात नहीं अंकल, छुट्टा रखो अब। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सब चोर लोग, आगे से सब ध्यान रखना, भाग गए वो चोर। ओ चिड़कुट, किधर जा रही है? अब सामान लेकर आ गई, अब देने जा रही हूँ घर पे। घर पे जा रही है? हाँ। तो मम्मी को लगेगा तू सामान लेके आई है। लेकिन मम्मी को लग रहा है सामान लेने तो मैं गया हूँ ना, तू मुझे दे, मैं जाएगा। अरे पर पांक। पलक, छुट्टे पैसे कहाँ हैं? भैया वो मुझे भूख लगी थी तो मैंने चॉकलेट खा ली, वो दुकानदार ने देख लिया और पैसे काट लिए। अरे पर मम्मी ने बोला था छुट्टे पैसे वापस लाना है और तूने चॉकलेट खा लिए, मम्मी तो तेरी वाट लगा देगी यार। भैया यार प्लीज आप कुछ बोल देना ना मम्मी को, प्लीज भैया। क्या बोलूँ पागल, ठीक है मैं सोचता हूँ। वैसे चॉकलेट तो छोटे बच्चे ही खाएंगे ना, है ना? हम थोड़े खाएंगे बड़े बच्चे, ठीक है। लेकिन मैं तेरे लिए मैं अपने पे नाम ले लूंगा, मम्मी को बोल दूंगा कि चॉकलेट मैंने खा ली, ठीक है? हाँ, थैंक यू भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल चल। पांक। अरे तू आजा, टेंशन मत ले, मैं मम्मी को कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू भैया। मम्मी मैं आ गया।
मम्मी ये लो आपका सामान, सारा लेके आ गया मम्मी, मैं लाया मम्मी, मैं खुद गया था मैं। प्रेम छूटे पैसे कहाँ है? छूटे पैसे? वो छूटे पैसे तो मम्मी खर्च हो गए। क्या बताऊं अभी आपको, वो सामान लेने में गया ना मम्मी, तो वहां पे है ना बड़ी चॉकलेट दिखी, बहुत महंगी थी मम्मी, तो जैसे मैंने वो चॉकलेट को देखा ना मम्मी, वहां पे चॉकलेट को चुराते हुए पलक को देखा मैंने। मम्मी पलक ने वो चॉकलेट चुराई और शॉप वाले ने वो छूटे पैसे काट लिए, पूरे काट लिए मम्मी, और मुझे डांटा भी। मैंने इसको मना किया था, मत ले मम्मी को छूटे पैसे रिटर्न चाहिए, लेकिन ये सुनती नहीं मेरी मम्मी, बहुत जिद्दी हो गई मम्मी। आप डांटो अभी, आप भी करो कुछ उसका। ये लो तुम्हारे दिवाली के फटाके। वाओ, एक नंबर, इतने सारे फटाके। थैंक यू मम्मी फटाकों के लिए। फटाके तेरे नहीं है, सारे फटाके प्रेम के। क्या सारे फटाके मेरे? हाँ। अरे बाप रे। पर क्यों मम्मी, मुझे फटाके क्यों नहीं मिलेंगे? तूने कुछ काम किया? सारा काम प्रेम ने किया, इसलिए सारे फटाके प्रेम के, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मम्मी लेकिन मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। अच्छा ये ले। मजा आ गया। मम्मी ये क्या है, इससे तो बच्चे चलाते, इसका मैं क्या करूंगी? इस बार इससे काम चला, काम तो कुछ करती नहीं, फटाके चाहिए। मम्मी आना, काम तो कुछ करती नहीं, सारा काम मैंने किया। क्या खतरनाक फटाके मिले, डबल शॉट, रॉकेट, पाउस, तो भाई साहब टाइगर बम, और क्या चाहिए। भैया आप मेरे प्यारे भैया हो ना, आप मुझे थोड़े फटाके दोगे? फटाके चाहिए? हाँ। ले ना। चल यही थोड़े फटाके दोगे? हट, फटाके चाहिए, चल चल। भाई बड़े फटाके दोगे? भैया भैया सुनो यार, मुझे भी बड़े फटाके चलाने, मैं इसका क्या करूंगी, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? हाँ मम्मी मुझे भी बड़े फटाके चाहिए। भैया बड़े बड़े फटाके फोड़ रहे हैं, मेरे पास ये क्या है, ये भी फूटता नहीं है। मजा आ गया फटाका फोड़ के। यार भाई अब तब से फटाके फोड़ रहे हो, थोड़ा मुझे भी दे दो। तुझे फटाके चाहिए? हाँ। तेरे पास है तो फोड़ ना इसको। यार पैसे क्यों फोड़ रहे, दे दो ना। सिर्फ एक ही ना? हाँ एक ही देगा। पक्का? हाँ पक्का। ये ले। ये ले फोड़ फोड़।
कितना एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी बड़े बड़े फटाके फोड़ने हैं यार। भैया भी मुझे फटाके नहीं दे रहे। बिलांची नागी निकाली नागो बडुला या लागला। बिलांची नागी निकाली नागो बडुला या लागला। वाव, इतने सारे फटाके। अरे प्रेम, वो देख। ये लड़की क्या कर रही है? ये लड़की, तू ये क्या कर रही है? दीदी, वो मैं फटाके जमा कर रही थी। जमा क्यों कर रही है? तेरे पास फटाके नहीं है क्या? दीदी, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो फटाके ला सकते, इसलिए मैं ये जमा करके फोड़ रही हूँ। हम बहुत गरीब है ना। अच्छा, एक काम कर, तू मेरी गन रख ले। थैंक यू दीदी। वेलकम। यार प्रेम, तेरी बहन तो बहुत समझदार निकली। पलक ना? जी भैया। क्या हुआ? भैया वो बेचारी बहुत गरीब है, उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं कि वो फटाके खरीद सके, तो मैंने उसे अपनी गन दे दी। वेरी गुड। बच्ची यहाँ आना। क्या हुआ भैया? फटाके चाहिए तो ऐसे जमा क्यों कर रही है? मेरे फटाके ले लो। जाओ दोनों एंजॉय करो, साथ में फटाके फोड़ो। सच्ची भैया, आपके फटाके ले ले। ले ले पलक, तू खुश तो मैं भी खुश। जाओ खेलो। बड़ा फटाका है। तू चला। थैंक यू दीदी। यार प्रेम, तेरा दिल सच में बहुत बड़ा है यार। तूने अपने सारे फटाके अपनी बहन और उस गरीब लड़की को दे दिए। अरे भाई, ये फटाके वगैरह बच्चों के फोड़ने की चीजें, बच्चे खुश तो अपन उनको देख के खुश। अबे गाड़ी किसकी है? कौन है भैया?
मुझे क्या मालूम। जानवी जी पापा। पापा चल बेटा घर पे चलते, आपके लिए बहुत सारे फटाके लाए मैंने। यस थैंक यू पापा। एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस ये लड़की आपकी बेटी है? हाँ जानवी मेरी बेटी है और पलक की क्लासमेट भी है। आप उसके बड़े भाई हो ना, पता है मुझे। हाय पलक। हाय यार पलक तू इतनी सैड क्यों है? अब क्या बताऊँ मैं तुझे जानवी, मम्मी ने मुझे इस साल बड़े पटाखे दिए ही नहीं, बस एक छोटी सी गन थमा दी है। यार मेरे पापा तो मेरे लिए बहुत सारे पटाखे लेने गए और आज शाम को मैं फुल एंजॉय करूंगी। ये वाह यार तू तो बहुत लकी है। जानवी तू मेरे एक हेल्प करेगी जिससे तुझे और भी फटाके फोड़ने मिलेंगे और मुझे भी। वो कैसे? तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस तुझे गरीब बनने की एक्टिंग करनी है। ए? गरीब बनना है? वो क्यों? अरे तू ज्यादा सोच मत रहे, तू बस थोड़े सिंपल से कपड़े पहन के आ जा। अच्छा ठीक है अभी आई। अब आएगा मजा। भाई साहब टोइंग 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 क्या हुआ? बाय द वे हैप्पी दिवाली। चलो जानवी चलते। बाय पलक। बाय। और भैया थैंक यू मुझे फटाके देने के लिए। क्यों भैया फोड़ देना आखिर मैंने आपके सारे फटाके। मुझे नहीं दे रहे थे ना फटाके, अब मैंने आपसे फटाके ले लिए और सारे फटाके फोड़ दिए। अब आप क्या करोगे? अभी यार उसने मेरे पटाखे भी खत्म कर दिए। वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है, फेवरेट फटाका भी बता देना। तो 1 मिलियन जल्दी होने वाले गाइस, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 50,000 लाइक्स। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। भैया मेरे पीछे पड़े, मैंने उनके सारे फटाके फोड़ दिए, मजा तो बहुत आया। चलो बाय।